आज हम इस वीडियो में एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसकी आबादी लगभग 1 लाख से भी अधिक है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये गांव भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। अगर इस गांव की आबादी की बात करें तो लगभग इस गांव में 1,20,000 लोग रहते हैं। और से लगभग सन 1530 में कुसुमदेव राव ने सकरा डीह नामक स्थान पर गहमर गाँव बसाया। द्वितीय विश्व युद्ध में गहमर के 226 सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल हुए थे, जिसमें से 21 वीरगति को प्राप्त हुए थे। गाजीपुर गांव के हर घर में देशभक्ति का जज्बा और हर युवा के दिल में सैनिक बनकर देश सेवा की हसरत, शायद यही वजह है कि इस गांव को फौजियों का गांव कहते हैं। गाजीपुर का गहमर गाँव, जहाँ कई पीढ़ियों से देश सेवा के लिए फौजी बनना एक परम्परा बन चुकी है, गहमर का हर युवा आज भी फौजियों के गांव की इस परंपरा की विरासत को पूरे जिम्मेदारी से संभाले हुए हैं। गाजीपुर में फौजियों का ये गांव, जहां एशिया में सबसे बड़ा गांव है, वहीं औसतन हर घर में एक सैनिक सोल्डर इस गांव की शान बढ़ा रहा है। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। गाजीपुर के गहमर गाँव की फिजाओं में शायद यही लफ्ज हर पल गूंजते हैं। गहमर की मिट्टी, हवा और पानी भी देशभक्ति और देश सेवा के जज्बे को पूरी तरह अपने में समेटे हुए हैं। यही वजह है कि गांव के हर शख्स के लिए फौजी बनकर देश सेवा पहला लक्ष्य होता है। गांव की गलियां हों, बाग, खेत खलियान या गंगा के घाट, हर जगह युवा फौज में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत करते नजर आते हैं। गहमर के हर युवा के दिल में फौज में भर्ती होकर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का हौसला उन्हें बेमिसाल बनाता है। गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसकी कुल आबादी 1,20,000 है। तकरीबन 25,000 मतदाताओं वाला गहमर 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। गहमर 22 पट्टियों या टोले में बटा है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सन 1530 में कुसुमदेव राव ने सकरा डीह नामक स्थान पर गहमर गांव बसाया था। गहमर में ही प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन गहमर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की हर घर में एक फौजी सी।